अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। देखिए आज एक सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये चालू नहीं हो रहा, इसका कंप्रेसर जो है, तो ये कंप्रेसर, ये अपना मेन लीड है, ये मेन लीड को अपन यहाँ बोर्ड में लगाते हैं और इसको चालू करके देखते हैं क्या दिक्कत होता है। तो ये इसको मैंने बोर्ड में लगाया है, यहाँ से बटन अभी बना है। ये यहाँ पर देखेंगे एक LED यहाँ पर है और एक LED यहाँ पर है। जैसे इसमें पावर आएगा तो ये LED ब्लिंक होएंगी, ठीक है। तो इसका पावर ऑन करते हैं, देखिए आप, ये देखिए ये एक LED ब्लिंक हुई रेड वाली और बंद हो गया। अभी थोड़ी देर में ये चालू हो जाएगा। ये इसमें ये एरर आ रहा है, कितने टाइम एरर आ रहा है ये देखते हैं अपन, 1, 2, 3। तो दोस्तों ये 3 टाइम ब्लिंक कर रही है, ठीक है, 1, 2, 3, तो 3 टाइम ब्लिंक कर रही है। अब इसको दोस्तों यहाँ से अपन इसको पावर को बंद कर देते हैं। तो ये 3 टाइम ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब ये कंप्रेसर का एरर है दोस्तों। तो अपन यहाँ पे एक दूसरा कंप्रेसर जोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों अपन इसमें एक सैमसंग का इन्वर्टर कंप्रेसर कनेक्ट कर चुके हैं, देख सकते हैं। ये अपना रेफ्रिजरेटर, ये इसका लीड वायर, कंप्रेसर वाला टर्मिनल वाला वायर है, ये कंप्रेसर के टर्मिनल पे लगा दिया और ये कंप्रेसर लगा है। अब इसको प्लग लगा के इसको चालू करके देखेंगे। इसके पहले क्या लगाए थे अपन, अब इसको चालू लगाए यहाँ पे और इसको यहाँ पे चालू पावर दे के देखेंगे। पावर चालू करो बेटा, देखो पावर चालू करें, LED एक बार ब्लिंक हुई बंद हुई, मतलब इसमें पावर आ गया। अब देखते हैं ये स्टार्ट होता है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये LED जो है ग्लो हो गई है, इसका मतलब अपना कंप्रेसर चालू हो गया। और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कंप्रेसर है, ये थोड़ा आवाज़ भी कर रहा है। मैं इसका माइक कंप्रेसर के पास में करता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये आवाज़ कर रहा है, यहाँ से ये कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है। तो दोस्तों 3 टाइम जो ब्लिंक होता है वो कंप्रेसर का एरर होता है दोस्तों। और ठीक है बेटा, बंद कर दो इसको।